हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलो बनाते हैं आज कैरी का मुरब्बा। और बाज़ार में कैरियाँ भी खूब आई हैं, तो चलो बना लेते हैं साल भर के स्टोर करने के लिए मुरब्बा। यहाँ मैंने 2 kg कैरियाँ ली हैं। इनको मैंने पानी में डाल के अच्छे से धुल लिया है। आप इनको 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, फिर निकाल के अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ के इस तरीके से इनको छील लें। इसी तरह से हम सारी कैरियों को छील लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने सारी कैरियों को छील लिया है कि इस तरीके से हम कैरियों के ऊपर वाले पार्ट्स को निकाल देंगे। इस तरीके से निकाल के सारी कैरियों के पार्ट्स को निकाल देंगे और फिर इसको हम तैयार कर लेंगे। अब हम इसको कट मारते हैं। मैं इसको सेंटर से कट मार के 2 बड़े बड़े पीसेस काटूंगी। इस तरीके से हम सारी कैरियों को बड़े बड़े पीसेस में काटेंगे, क्योंकि मुरब्बा का जो ये कली रहती है वो थोड़ी थिक होगी ना, तो ही टेस्ट अच्छा आएगा उसका, मुरब्बे का। इसी तरीके से हम सारी कैरियों के पीसेस को कट कर लेंगे मोटे मोटे। इतने में जो छोटे छोटे पार्ट्स बचेंगे उनको भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी मुरब्बे में बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि कुछ घुल जाते हैं, कुछ बड़े पीसेज रह जाते हैं, तो बहुत ही टेस्ट अच्छा लगता है इसका। आप भी इसी तरह सारी कैरियों को कट कर लें। देखिए, मैं यहाँ सारी कैरियों को इसी तरीके से कट कर लूँगी। हमारी सारी कैरियाँ कट हो चुकी हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया है, स्टील का, प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं और कांच का भी। अब मैं इसके अंदर हल्दी और नमक लगा के रख दूँगी। यहाँ मैंने 2 kg कैरियाँ लिए हैं, तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ भर के अच्छे से स्पून। अगर आप थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं हम कलर देने के लिए इसमें हल्दी डाल देते हैं, इससे मुरब्बे का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और हल्दी और नमक डाल के हम इसको अच्छे साफ हाथों से इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से हम तब तक इसको मिलाएंगे जब तक हमारी कैरियों में कलर ना आ जाए हल्दी का। जब हमारी कैरियाँ नमक और हल्दी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो हम इसको ढक के रख देंगे पूरी रात के लिए। चलो अभी देख लेते हैं, मैंने पूरी रात इनको रखा था ढक के, देखते हैं सुबह। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, और भी सुंदर कलर निकल के आया है। अभी हमें इन कलियों को अलग करना है, क्योंकि इसमें पानी आ गया होगा। तो मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं सारी कलियों को निकाल देती हूँ। यहाँ मैंने उसी थाली को ले लिया है जो कि मैंने ढक के रखी थी इसके ऊपर। इसी तरीके से आप सारी कलियों को इसमें से निकाल लें। यहाँ देखिए, मैंने सारी कलियों को निकाल लिया है, और कलियाँ निकालने के बाद में हमारा ये पानी निकला है इसमें। और अभी हमें इसी पानी का यूज करना है, इसको फेंकना नहीं है। यहाँ मैंने एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, क्योंकि मुझे 2 kg मुरब्बा बनाना है, तो उसके लिए चीनी भी हमें बराबर की लगती है। तो यहाँ मैं 2 kg कैरियों में 1.5 kg चीनी डालूंगी। तो यहाँ ये मेजरमेंट का कप 250 ग्राम का है, तो इस हिसाब से मैं 1.5 kg चीनी ले लेती हूँ। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 2 kg के बराबर ले सकते हैं। आप 2 kg आम ले लीजिए और 2 kg चीनी ले लीजिए, ये एकदम बराबर का माप है। यहाँ पर हमने जो पानी बचा के रखा था आम वाला, उसको हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसको भी हम फिर गैस पर रखेंगे, तो हमारी क्या चीनी नीचे से जलेगी नहीं। मैंने यहाँ कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, और मैं इसको चीनी को हल्का सा चला लेती हूँ, जिससे कि क्या नीचे लगे नहीं चीनी। यहाँ हमारी कैरी के पानी के साथ चीनी अच्छे से मिल गई है, तो अब हम अपनी कैरियों को भी इसमें मिला देते हैं। अब कैरियों को डाल के भी हम अच्छे से इसको चला लेते हैं, जिससे कि हमारी कैरियों के साथ चीनी अच्छे से मिल जाए। हमें इसको तब तक लगातार चलाना है तब तक ये लिक्विड फॉर्म में ना आए, और आप देखेंगे 10 मिनट के बाद ये अच्छे से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी चीनी। देखिए इसको 5-6 बार आपको इस तरीके से चलाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे लगने का डर रह जाता है। तो आप इसको चला लीजिए अच्छे से। कैरियों ने पानी छोड़ दिया है, अभी देखिए लिक्विड फॉर्म में आ गई है हमारी चीनी। तो इस तरीके से थोड़ा सा और चलाएंगे तो ये अच्छे से लिक्विड हो जाएगी। कि अब अच्छे से लिक्विड फॉर्म में आ गई है, मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मीडियम आँच पर। देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसको इसी तरीके से बॉयल करेंगे और 15-20 मिनट के लिए। और जब ये अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी, हमें क्या है इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। जब इसमें एक तार की चाशनी आ जाएगी तो हमारा ये तैयार हो जाएगा। ये हमारी चाशनी में कैरियाँ अच्छे से फूल गई हैं और रस भी अंदर तक आ चुका है। अब हम चेक करके देख लेते हैं कि हमारा तार बना है कि नहीं। तो यहाँ हम कोई बर्तन ले लेंगे और उसमें निकाल लेंगे थोड़ी सी चाशनी, और फिर चेक कर लेंगे कि हमारा तार बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसमें चाशनी को निकाल लिया है, तो देखिए ये तार बन रहा है। तो यहाँ हमारा मुरब्बा तैयार हो गया है। यहाँ मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 2 से 3 स्पून, इनको हम कूट लेंगे।
और मैंने 8 से 10 इलायची ली हैं, उनको भी मैं कूट लेती हूँ। इलायची डालने से हमारे मुरब्बे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अगर ज़्यादा दिन तक भी रखेंगे तब भी एकदम फ्रेश फील होगा। हाँ, मैंने सारे मसाले तैयार कर लिए, अब हम इनको मुरब्बे में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला देती हूँ। हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारा मुरब्बा एकदम तैयार हो गया, एकदम जूसी मुरब्बा बना है। और आप इसको 1 साल तक आराम से स्टोर करिए। ये पूड़ी पराठे सबके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए, आप साल भर इसको आराम से स्टोर करिए, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब करें।